तो टी टेस्ट का दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा ये टी टेस्ट का पार्ट टू का वीडियो है बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ पूरा कंसेप्ट पहले वाले वीडियो में भी पूरा कंसेप्ट सिखाया था टी टेस्ट के बारे में आज भी सिखाऊंगा टी टेस्ट के बारे में पूरा कंसेप्ट तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टी टेस्ट का पार्ट टू का वीडियो है पहले वाले पार्ट में क्या था स्टैंडर्ड एविशन आपको गिबिन था यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एविशन गिबिन नहीं है तो अगर आपने पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप लोग देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा व्यू आ चुका है वन के व्यू है एक व्यू आ चुका है तो ये आप लोगों के रिकमेंडेशन से पार्ट टू का वीडियो लेकर आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे दिया हुआ है अ कंपनी क्लेम्स दैट द मीन लाइफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक बल्ब इज 28 मंथ आपको म्यू दिया हुआ है और रैंडम सैंपल ऑफ 10 बल्ब सैंपल भी दिया हुआ है एन की वैल्यू भी दिया हुआ है 10 एन का वैल्यू 10 है इसका मतलब कौन सा टेस्ट हुआ टी टेस्ट हुआ कैसे टी टेस्ट हुआ आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ही था चलिए फिर भी बता देता हूँ अगर सैंपल साइज तीस हो या तीस से छोटा होगा तो वो हो जाएगा टी टेस्ट ठीक है अगर सैंपल साइज तीस से बड़ा होगा तो क्या होगा जे टेस्ट तो यहाँ पे सैंपल ऑफ टेन बल्ब दिया हुआ है तो ये कौन सा टेस्ट हो गया टी टेस्ट हो गया ठीक है क्योंकि सैंपल साइज है लेस दैन इक्वल टू थर्टी है लेस दैन थर्टी है यहाँ पे थर्टी होता थर्टी बल्बस होता फिर भी आप लोग क्या करते टी टेस्ट करते ट्वेंटी नाइन बल्ब होता फिर भी टी टेस्ट करते हैं टेन बल्ब है फिर भी हम लोग टी टेस्ट करने वाले हैं तो ये तो आप लोग को पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था तो चलिए यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे म्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब का मीन लाइफ ऑफ इस इलेक्ट्रिक बल्ब म्यू दिया हुआ है और एन दिया हुआ है तो हम लोग टी टेस्ट में क्या फाइंड आउट करते हैं एक्स बार स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिबेशन इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे तो दिया नहीं है ये नहीं दिया हुआ है इसलिए ये पार्ट टू का वीडियो है अगर दिया होता तो वो होता पार्ट वन का वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसी का हम लोगों को एक्स बार और स्टैंडर्ड एवेशन निकालना है तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं क्या करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार एंड एस हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं आज ठीक है इसके लिए क्या करेंगे एक्स बार एस के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे तो चलिए टेबल बना लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का टेबल दिया हो और जिसका वैल्यू यहाँ पे जो है एन जो है वहाँ पे थर्टी और थर्टी से लेस्ट हो टी टेस्ट का क्वेश्चन हो तो पहले क्या करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर का एक टेबल बना लेंगे इस प्रकार से ठीक है और टेबल में क्या करेंगे इसको सभी नंबर को मैंने एक्स मान लिया तो ये जो ट्वेंटी टू है वो एक्स में मैं पुट कर दूँगा तो यहाँ पर ट्वेंटी है ट्वेंटी टू थर्टी टू ये सभी नंबरों को मैं क्या करूँगा एक्स में लिख दूंगा यहाँ पे थर्टी टू के बाद ट्वेंटी एट ट्वेंटी है वही लिख दूंगा मैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी उसके बाद ट्वेंटी थ्री थर्टी फोर थर्टी है वही लिख दूंगा यहाँ पे मैं ट्वेंटी थ्री थर्टी फोर ठीक है और उसके बाद क्या है यहाँ पे थर्टी फोर के बाद थर्टी एंड फोर्टी थ्री है तो वही लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे थर्टी एंड फोर्टी थ्री इस तरह से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम में जिस तरह का वैल्यू होगा इस तरह से फिलअप कर लेना अब इस तरह से क्या करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू था मैंने क्या किया यहाँ पे ये वो प्लेस कर दिया अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं वो भी आपको सिखा दूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा इसका स्क्वायर करूँगा तो ट्वेंटी टू का स्क्वायर जब करेंगे तो फोर एट फोर हो जाएगा ठीक है चलिए एक करके निकाल के दिखायाता हूँ आप लोगों को ईजी होगा तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर है कैलकुलेटर में क्या करूँगा ट्वेंटी का इस तरह से स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा फोर फोर आ जाएगा उसी तरह से यहाँ पे ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर का इस तरह से हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा फाइव सेवन सिक्स तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ़ाइव सेवन सिक्स उसी तरह से ट्वेंटी सिक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो सिक्स सेवन सिक्स आ जाएगा थर्टी टू का जब स्क्वायर करेंगे तो वन जीरो टू फोर आ जाएगा ट्वेंटी एट का जब स्क्वायर करेंगे 784 सेवन एट फोर आ जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर करेंगे तो फोर डबल जीरो आ जाएगा ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर करेंगे तो फाइव टू नाइन आ जाएगा उसी तरह से थर्टी फोर का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वन वन फाइव सिक्स थर्टी का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा नाइन हंड्रेड फोर्टी थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा वन एट फोर नाइन आ जाएगा इतना कर लेना है आपको इतना करने के बाद आपको समेशन एक्स निकालना होता है पहले समेशन एक्स का मतलब क्या है इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे जोड़ देंगे ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी फोर प्लस थर्टी प्लस फोर्टी थ्री जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से टू एटी टू उसी तरह से हम लोग को समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेना होता है समेशन एक्स स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे सभी नंबरों को ऐड कर देंगे फोर एट फोर प्लस फाइव सेवन सिक्स प्लस सिक्स सेवन सिक्स प्लस वन जीरो टू फोर प्लस सेवन एट फोर प्लस फोर जीरो जीरो प्लस फाइव टू नाइन प्लस वन वन फाइव सिक्स प्लस नाइन जीरो जीरो प्लस वन एट फोर नाइन जब ये सभी नंबरों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एट थ्री सेवन एट इस तरह से आ जाएगा इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना होता है एन की वैल्यू निकालनी होती है एन की वैल्यू चलिए एन इज इक्वल टू एन का मतलब क्या है कितना नंबर है वो काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नंबर है एन की वैल्यू हमारा टेन हो गया ठीक है यहाँ पे जितना नंबर होता वही हमारा एन की वैल्यू होती और ये जो है टेन बॉल्स ऊपर दिया हुआ था यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ था रैंडम सैंपल ऑफ टेन बॉल्स तो ये भी हमारा एन हो गया एग्जैक्टली exactly ये हम लोग इस तरह से काउंट करके निकालते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बल्ब है अब टेन है इसका मतलब लेस दैन इक्वल टू थर्टी है तो ये क्या हो गया टी टेस्ट हो गया तो हम लोग वही कर रहे हैं पहले टी टेस्ट करने से पहले हम लोग को क्या निकालना है एक्स बार एस निकालना है तो चलिए हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं डेयर फोर एक्स बार की जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन का क्या फॉर्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन समेशन एक्स कितना है चलिए यहाँ पे हम लोग निकाले थे 282 एटी यहाँ से देख सकते हैं तो वही करूँगा यहाँ पे 282 एटी टू डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ से देख सकते हैं एन की वैल्यू 10 है यहाँ पे 10 है तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टेन जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा ट्वेंटी आ जाएगा तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं टू एटी टू डिवाइड बाई टेन इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट टू अब हमको चाहिए एस ठीक है अब ये एस जो है इसको बोलते हैं अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अनबाइस एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एस का फार्मूला आप लोग हमेशा यही लगाना एस इज इक्वल टू रूट अंडर ठीक है इसमें अनबायस्ड एस्टिमेट है इसलिए वन बाई एन माइनस वन होता है फार्मूला मल्टीप्लाई क्वेश्चन ब्रैकेट देखे समिशन एक्स स्क्वायर माइनस समिशन एक्स यहाँ पर बहुत बच्चे जो है मिस्टेक करता है यहाँ पे देख लेना समेसन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन है एन का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे बहुत स्टूडेंट क्या करता है बिगाड़ लेता है ये क्या करता है समिशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर करता है वो नहीं होगा आप लोग वो करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे चलिए वैल्यू रख देते हैं वन एन हमारा कितना है टेन है माइनस वन हो गया समेसन एक्स स्क्वायर कितना है चलिए देख लेते हैं समेसन एक्स स्क्वायर जो है एट थ्री सेवन एट है एट थ्री सेवन एट माइनस समेसन एक्स का स्क्वायर है एक समेसन एक्स कितना है टू एटी टू टू एटी टू का स्क्वायर है डिवाइड बाई एन की वैल्यू हमारा टेन है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को कर लेना है ठीक है ये सभी रूट में है तो मैंने यहाँ पे रूट दिया उसके बाद रूट अंडर वन बाई नाइन ब्रैकेट स्टार्ट एट थ्री सेवन एट माइनस टू एट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा चलिए आप लोगों को करके दिखाता हूँ टू एट टू का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा सेवन नाइन फाइव टू फोर उसके बाद डिवाइड टेन करना है यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ टेन से तो कितना आ जाएगा यहाँ से सेवन फा सेवन नाइन फाइव टू पॉइंट फोर सेवन नाइन फाइव टू पॉइंट फोर आ गया अब क्या करेंगे अब इसको इसको माइनस करके डिवाइड नाइन करेंगे तो ये इस तरह से कर सकते हैं इज इक्वल टू वन बाई नाइन एट थ्री सेवन एट माइनस सेवन नाइन फाइव टू पॉइंट फोर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स ठीक है अब रूट अंडर इसको नाइन से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट टू एट इसको जब रूट से निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा सिक्स पॉइंट एट सेवन इस तरह से आ जाएगा इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है सबसे पहले इतना निकालने के बाद हम लोग का जो गिवेन था वो लिख लेंगे ठीक है तो ये हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था जो गिवेन है यहाँ पे ट्वेंटी एट म्यू दिया हुआ है एन की वैल्यू टेन है तो वो सभी लिख लेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर में तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेपर यहाँ पे एक ले लेता हूँ सो यहाँ पे जो गिवेन था ठीक है वो लिख लूँगा उसके बाद ठीक है एन की वैल्यू कितनी थी टेन है ठीक है ये लिख लिया मैंने उसके बाद हम लोग का एक्स बार जो है एक्स बार अब कितना आया हुआ है यहाँ से ट्वेंटी एट पॉइंट टू आया हुआ है ठीक है उसके बाद यस कितना आया हुआ है एस की वैल्यू हमारा एस इज इक्वल टू यहाँ से देख सकते हैं आप लोग सिक्स पॉइंट एट सेवन आया हुआ है तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे सिक्स पॉइंट एट सेवन कॉमा अब म्यू की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे म्यू मतलब मीन मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है जो पॉपुलेशन का बल्ब का पॉपुलेशन जो है यहाँ देख सकते हैं मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है म्यू कितनी है ट्वेंटी एट है ट्वेंटी एट है ठीक है ट्वेंटी एट ये मंथ में है ठीक है ये सभी मंथ में है तो यहाँ पे मंथ नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा आप ट्वेंटी एट सिर्फ लिख दे लास्ट में हम लोग आंसर मिला के लिख देंगे तो ट्वेंटी एट आ गया अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे टी टेस्ट करने वाले अब स्टार्ट होगा टी टेस्ट ठीक है हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए थे अभी तक सिर्फ हम लोग एक्स बार की वैल्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट किए थे अगर क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार का डेटा दिया हो तो ठीक है तो अब क्या करने वाले हैं टी टेस्ट करने वाले हैं जो पहले वाले वीडियो में हमने किया था अब वहाँ से हम लोग सेम टू सेम रिपीट करने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद क्या करना है अब हम क्या करने वाले हैं टी टेस्ट तो यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप वन ये हमेशा स्टेप लिखना होता है यहां से हम लोग हमेशा वही प्रोसेस करते चल जाएंगे क्वेश्चन कैसा भी हो हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करें करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या किए थे इस तरह से टेबल बनाए थे आप लोग को बताया इस तरह से एक्स बार एस की वैल्यू निकाले थे ठीक है इस तरह का प्रोसेस आपको कर लेना अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो स्टेप वन में हम लोग लिखेंगे नल हाइपोथेसिस ठीक है इस तरह से नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं इथनोट से सच डैट म्यूनट जो है हमारा म्यू म्यू जो है ट्वेंटी एट है आप म्यू भी लिख सकते हैं म्यूनट भी लिख सकते हैं इसको म्यूनट भी डिनोट कर सकते हैं म्यू भी डिनोट कर सकते हैं चलिए मैं इसको म्यूनट डिनोट कर देता हूं ठीक है ये जो ट्वेंटी एट है वही लिख देना है हम लोग को यहाँ पे ट्वेंटी एट ठीक है तो इसमें आप लोग क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है यह ट्वेंटी एट क्या बोला गया था तो यहाँ पर बोला था अ कंपनी क्लेम्स दैट द मीन लाइफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक बल्ब इज ट्वेंटी एट मंथ मीन लाइफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक बल्ब इज ट्वेंटी एट मंथ तो वही लिख दूंगा मैं यहां पे दैट इज मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ट्वेंटी एट मंथ ठीक है इस तरह से आप लोगों को लिख देना है अब स्टेप टू की तरफ चलेंगे आपको स्टेप हमेशा फॉलो करना है उसके बाद लिखेंगे अल्टरनेटिव हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करें ठीक है क्वेश्चन कैसा भी हो ये प्रोसेस आप लोग फॉलो कर लेना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हम मैं एच वन से डिनोट करता हूँ किसी किसी बुक में एच ए होता है तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना एच वन लिखिए या एच ए लिखिए ठीक है दोनों का बात सेम ही होता है अब एच वन में क्या है ये आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा एच वन सच दैट ये जो म्यूनट है म्यूनट लिख दें यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हैं म्यूनट भी लिख सकते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझना होगा कि ये वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है या टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन है आप लोगों को पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ये वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है या टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन है कैसे पहचानेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे वो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग जाकर वो देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को वो भी सिखा देता हूँ तो चलिए वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है या टू टेल टेस्ट का वो कैसे पहचान लेंगे अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में आपको लेस देन दिया हो मोर देन लोअर हायर इंक्रीज डिक्रीज स्मॉलर देन टॉलर देन ग्रेटर देन इन्फेरियर सुपेरियर क्लेम्स दैट एटलीस्ट एट मस्ट ओनली इम्प्रूव हाई लो ऐसा कुछ हो कंपेरिजन का कोई बात आ रहा हो उस वक्त होता है वन टेल टेस्ट ठीक है अदरवाइज हम लोग मानते हैं टू टेल टेस्ट तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं ऐसा कोई वर्ड है या नहीं ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है अ कंपनी क्लेम्स दैट क्लेम्स दैट दिया हुआ है यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लेम्स दैट है तो ये कौन सा टेस्ट हो गया वन टेल टेस्ट हो गया इसमें तो क्लियर हो गया अगर ये क्वेश्चन में लेस देन भी होता है मोर देन भी होता है यहाँ पे कहीं पे भी लिखा होता है लेस देन मोर दैन फिर भी क्या होता है वन टेल टेस्ट अगर ऐसा कोई वर्ड ना हो तो क्या मानेंगे टू टेल टेस्ट ठीक है आप लोगों को पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ठीक है तो यहाँ पे क्या है लेस देन मोर देन लोअर हायर इंक्रीज डिक्रीज स्मॉलर दैन टॉलर दैन ग्रेटर दैन इन्फेरियर सुपेरियर क्लेम्स दैट क्लेम्स दैट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी था और कंपनी क्लेम्स दैट क्लेम्स दैट और यहां पे तो ये कौन सा टेस्ट हो गया वन टेल टेस्ट हो गया ठीक है तो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में यहां पे क्या लिखेंगे वो आपको समझना होगा तो चलिए आपको एक बात समझा देता हूं यहां पे ठीक है तो यहां पे one tail test और two tail test में देखिए एक होता है one test. अब one test का दो कंडीशन होता है देखिए इसका दो टाइप है एक होता है टेल टेस्ट ठीक है एक होता है टेल्ड right टेस्ट ठीक है और दूसरा होता है एक होता है लेफ्ट टेल टेस्ट आपको यह याद रखना है वन टेल टेस्ट में दो टाइप का होता है राइट टेल टेस्ट एक लेफ्ट टेल टेस्ट तो राइट टेल टेस्ट में हम लोगों क्या लिखना होता है एच वन सच डैट म्यू इज ग्रेटर देन म्यूनट लिखना होता है ठीक है और लेफ्ट टेल टेस्ट में लिखना होता है एच वन सच दैट म्यू इज लेस देन म्यूनट अब राइट टेल टेस्ट है या लेफ्ट टेल टेस्ट है हम लोग को तो पता हो गया कि वन टेल टेस्ट है अब उसमें हमको ये लिखना है ये कि ये लिखना है ये कैसे पता करेंगे तो इसका भी एक कंडीशन है तो राइट टेल टेस्ट जब होगा देखिए राइट टेल टेस्ट जब होगा उस वक्त एक्स बार की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन नॉट होगी तो ये याद रखना है ठीक है अब राइट टेल टेस्ट है ये और लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होता है लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होता है एक्स बार की जो वैल्यू है एक्स बार की जो वैल्यू है वो लेस देन म्यूनट होता है ठीक है ये होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे चेक करेंगे एक्स बार की वैल्यू म्यूनट से बड़ा है या नहीं तो यहाँ पे हम लोग का जो है एक्स बार कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट टू म्यूनट कितना है ट्वेंटी एट ये बड़ा है इससे ये बड़ा है इससे ये ट्वेंटी एट पॉइंट टू है ये ट्वेंटी एट है तो क्या हो गया राइट टेल टेस्ट तो राइट टेल टेस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे ये लिखने वाले हैं एच वन दैट म्यू इज़ ग्रेटर दैन म्यू नोट ठीक है तो नोट कितना है हमारा यहाँ पे ट्वेंटी एट है तो यहाँ पे हम लोग ट्वेंटी एट लिख देंगे मैं यहाँ पे म्यू ही लिख देता हूँ ईजी होगी ठीक है आप लोग म्यूनट भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा थी? इसको म्यूनट लिख लें इसको म्यू इक्वल टू म्यूनट ट्वेंटी एट म्यू इक्वल टू म्यूनट कर दे इसको ट्वेंटी एट कर दे यहाँ पर म्यूनट नहीं लिखे म्यू सिर्फ लिख दे ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखेंगे डैट इज मिन लाइफ ऑफ सेम टू सेम लिखना है थोड़ा फर्क करना होता है मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज हायर है ग्रेटर है कि ग्रेटर दैन का साइन है इज ग्रेटर दैन ट्वेंटी एट मंथ लिख देंगे ठीक है लेस दैन का साइन होता है तो यहां पर मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज लेस दैन ट्वेंटी एट मंथ ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ राइट हेल्ड टेस्ट था अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होता अगर एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स होता ये ट्वेंटी एट होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं म्यू इज लेस देन ट्वेंटी एट लिखते लेस देन का यहाँ पे साइन देते ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं मिलना बैप इलेक्ट्रिक बल्ब इज लेस देन ट्वेंटी एट मंथ ठीक है अगर वन टेल टेस्ट ना हो के ये वन टेल टेस्ट ना हो के टू टेल टेस्ट होता उस वक्त क्या लिखते ठीक है टू टेल टेस्ट होता तो क्या लिखते हैं उस वक्त उस वक्त हम लोग यहाँ इस पे लिखते हैं एच वन सच डैट इस तरह से लिखते एच वन चलिए आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हूँ एच वन सच दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट लिखते हैं नॉट इक्वल टू म्यू नोट लिखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी एट लिखते ठीक है ट्वेंटी एट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बॉल इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी एट मंथ बस ये आप लोग को समझना है वो फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था अब चलेंगे स्टेप थ्री की तरफ स्टेप टू कंप्लीट हो चुका है अब चलेंगे स्टेप थ्री की तरफ यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप थ्री और स्टेप थ्री एस टी ई पी है ये स्टेप थ्री स्टेप थ्री में आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आप लोग को टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करना है एक लैंग्वेज भी आप लोग लिख दे अंडर अंडर एच नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर एच नॉट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज न बाई उस वक्त अब क्या करेंगे हम लोग को टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी होती है जिसका फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई एस बाई रूट एन होता है ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया वो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो चलिए आपको इसी में बता देता हूँ इसका दो फॉर्मूला होता है और इसका एक फॉर्मूला होता है टी कैलकुलेटेड इजिकल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई ए स्मॉल एस बाई रूट एन माइनस वन होता है एक ये फॉर्मला होता है एक ये फॉर्मला होता है ठीक है तो ये रफ बता रहा हूँ आपको तो इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे हम लोग ये यूज करने वाले हैं ठीक है थीके? ये यूज करने वाले हैं क्यों यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पे जिक्र नहीं था कहीं पे बात नहीं दिया हुआ था कहीं पे कहीं बताया था नहीं था कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं था इसका हम लोग निकाले इसका फाइंड आउट किए जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग का ये फॉर्मला लगेगा ठीक है अगर गिवेन होता तो ये लगाते जो पहले वाले वीडियो में बताया था ठीक है इस फॉर्मूले से मैंने पार्ट वन का वीडियो बनाया था इस फॉर्मूले से पार्ट टू का वीडियो बन रहा है ठीक है तो आपको ये याद रखना होगा यहाँ पे ये फार्मूला कब यूज करेंगे अगर स्टैंडर्ड इबिएशन और वेरिएंस नॉट गिवन इन क्वेश्चन ठीक है अगर नहीं है गिवन स्टैंडर्ड और वेरिएंस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ठीक है स्मॉल एस जो है वो गिवेन है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन और वैरियंस जो है ये जो भैरियंस जो है अगर गिवेन है तो ये फॉर्मला यूज करेंगे ठीक है आप लोग एक बात बता दूं भैरियंस का जो फॉर्मूला होता है आपको ये भी बता देता हूँ स्टैंडर्डेशन का प्लेस पे भैरियंस भी दे देता दे है तो भैरियंस का फॉर्मुला होता है स्टैंडर्ड इवेशन का होल स्क्वायर ठीक है और स्टैंडर्ड इवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर वैरियंस ये याद रखना है ये रफ कर दिया मैंने इतना जो है ये रफ कर दिया इतना आप लोग एग्जाम में नहीं लिखना ठीक है ये आपको समझाने के लिए लिखा ठीक है तो ये रफ हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टेप थ्री में लिखेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स अंडर एस नो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज गिवेन बाई लिख के अब टी कैलकुलेटर निकाल लेंगे ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे टी कैलकुलेटेड तो ये फॉर्मला लगेगा कि ये लगेगा ये लगेगा एक्स बार है ये यहाँ पे छूट गया था एक्स बार माइनस म्यूनट बाय एस बाय रू टेन बार है यहाँ पे एक्स बार छूट रहा है तो एक्स बार कितना है हमारे यहाँ से देख सकते हैं ट्वेंटी एट पॉइंट टू म्यूनट ट्वेंटी एट है तो वही यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग एक्स बार की वैल्यू ट्वेंटी एट पॉइंट टू माइनस म्यूनट का वैल्यू ट्वेंटी एट डिवाइड बाई एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर चलिए ऊपर से दिखायाता हूँ एस का वैल्यू सिक्स पॉइंट एट सेवन ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं सिक्स पॉइंट एट सेवन है एन की वैल्यू टेन है तो यहाँ पे वही करने वाला हूँ सिक्स पॉइंट एट सेवन डिवाइड बाई रूट अंडर एन है तो रूट अंडर एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे टेन है इस तरह से करके कैलकुलेट कर लेंगे तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से प्लेस करके हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ से हमारा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आया जीरो पॉइंट जीरो नाइन आया वही लिख दिया मैंने इसके बाद देअर फोर हम लोग को मोडलस में रखना होता है टी कैलकुलेटेड को अगर यहाँ पे नेगेटिव में भी आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में लिखना पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे मुडलोज का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है अगर माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन होता फिर भी हम लोग यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो नाइन लिखते ये हो चुका है हमारा स्टेप थ्री कम्प्लीट अब चलेंगे स्टेप फोर की तरफ तो यहाँ पर लिखूंगा स्टेप फोर सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है अल्फा कितना है वो चेक करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में तो यहाँ पे कंपनी क्लेम्स दैट द मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ट्वेंटी एट है रैंडम सैंपल ऑफ टेन बल्ब ये क्वेश्चन में टेस्ट द क्लेम ऑफ द कंपनी एट फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है यहाँ पे फाइव परसेंट है तो यहाँ पे फाइव परसेंट दिया हुआ है तो लिख देंगे फाइव परसेंट अगर वन परसेंट दिया होता तो वन परसेंट लिखते अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप लोग को एज्यूम कर लेना है कि ये फाइव परसेंट होता है ये एज्यूम कर लेना तो इतना करने के बाद हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हम लोग निकालते हैं टी टेस्ट में हम लोग को जे टेस्ट में नहीं निकालना होता था सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मुला होता है वो होता है एन माइनस वन एन की वैल्यू तो हमारा टेन है माइनस वन बोले तो कितना आ गया नाइन आ गया एन की वैल्यू टेन था यहाँ से मैंने लिया टेन यहाँ से मैंने टेन लिया ठीक है एन माइनस वन बोले तो टेन माइनस वन हम लोग का कितना आ गया नाइन आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइव है डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइन है अब तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना होता है टेबलेटेड की वैल्यू निकालनी होती है टी टेबुलेटर की वैल्यू निकालनी होती है इसको मोडलेस में रख के यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे फाइव परसेंट है और नाइन है ठीक है तो ये हम लोग को इसमें टेबल में देखना होता है ठीक है तो ये टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना तो यहाँ पे क्या है टू टेल टेस्ट है वन टेल टेस्ट है ये हमारा जो क्वेश्चन था ये टू टेल टेस्ट था क्या है कि वन टेल टेस्ट था आप लोगों को बता दूँ यहाँ से हम लोग क्या किए थे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यहाँ पे ये क्या कौन सा टेस्ट है अगर नॉट इक्वल टू होता तो हम लोग का यहाँ से पता चल जाता कि वो टू टेल टेस्ट है ग्रेटर दान है तो वन टेल टेस्ट है लेस लेसदान है तो वन टेल टेस्ट है मैंने आपको पहले ही बताया था ना इसमें वन टेल टेस्ट था कि टू टेल टेस्ट था तो ये वन टेल टेस्ट था तो यहाँ पे हम लोग को लेना क्या है यहां पर देख सकते हैं वन टेल टेस्ट नीचे की वैल्यू देखेंगे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है हमारा फाइव परसेंट तो ये हो गया टेबल अगर ढाई परसेंट होता तो ये देखते वन टेल टेस्ट में ठीक है टू टेल टेस्ट ऊपर है वन टेल टेस्ट नीचे है तो नीचे का देखेंगे वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइव परसेंट ढाई परसेंट वन परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट का नीचे है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था नाइन था तो यहाँ से नाइन ले लेंगे और फाइव परसेंट ये है कितना यहाँ से वन पॉइंट एट थ्री थ्री ठीक है ये नाइन और ये वन पॉइंट एट थ्री थ्री अगर टू पॉइंट फाइव परसेंट होता तो हम लोग क्या लेते टू पॉइंट टू सिक्स टू लेते ठीक है अगर वन पॉइंट वन परसेंट होता तो क्या लेते टू पॉइंट एट टू वन अगर ये टू टेल टेस्ट होता फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता तो यहाँ से लेते कितना आता हमारा नाइन में टू पॉइंट टू सिक्स टू पर अभी कितना है यहाँ से देख सकते हैं अभी क्या है लेवल ऑफ़ सिग्निफिकेंस फाइव परसेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइन है और हमारा वन टेल टेस्ट है तो वन टेल टेस्ट हमारा फाइव परसेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइन तो इसके नीचे क्या हो गया वन पॉइंट एट थ्री थ्री तो ये हो गया हमारा टी कैलकुलेटर का वैल्यू सो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी कैलकुलेटर जो है वन पॉइंट एट थ्री थ्री है ये हम लोग टेबल से लिख लेंगे इतना करने के बाद अब चलेंगे लास्ट स्टेप की तरफ स्टेप फाइव स्टेप फाइव पे लिख लेंगे डिसीजन एंड कॉम्पेरिजन तो ये लास्ट स्टेप है यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने कॉम्पेरिजन एंड डिसीजन या डिसीजन एंड कॉम्पेरिजन तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे टी टैब लिख लेंगे ठीक है मोडल्स का साइन दे देंगे इधर लिख लेंगे टी कैलकुलेटेड ठीक है इस तरह से मोडल्स का साइन दे देंगे अब जोन सा बड़ा होगा उसका ग्रेटर ये वन है और कैलकुलेटेड जीरो है कौन सा बड़ा है टी टैप बड़ा है या टी कैलकुलेटेड बड़ा है टी टैप बड़ा है ये बड़ा है तो इस तरह से साइन दे देंगे अगर ये छोटा होता तो इस तरह से साइन देते अगर टी टैप बड़ा है टी कैलकुलेटर से इसलिए मैंने ग्रेटर दैन का साइन दिया क्योंकि यहाँ पे टी टैप जो है वन पॉइंट एट थ्री थ्री है और टी कैलकुलेटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टी कैलकुलेटर जो हम लोग निकाले थे वो निकाले थे जीरो पॉइंट जीरो नाइन तो टी टैप बड़ा है इसलिए मैंने ग्रेटर दैन का साइन दिया अगर टी टैप छोटा होता तो लेस दैन का साइन देते अगर टी टैप और टी कैलकुलेटर का वैल्यू सेम आता है जीरो पॉइंट जीरो नाइन है और ये भी जीरो पॉइंट जीरो नाइन होता तो हम लोग क्या करते हैं इज इक्वल टू का साइन देते बस इतना कर लेना है और यहां पे क्या लिखना है एक लैंग्वेज लिखना है हैंस इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस ठीक है नल हाइपोथेसिस जो है एच नॉट सपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे एंड वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस थेसिस एच वन ठीक है तो मैंने क्या कहा ये बड़ा है तो ये लैंग्वेज लिख देंगे अगर ये छोटा होता टी टैप इज लेस देन टी कैलकुलेटर होता उस वक्त ये लैंग्वेज नहीं लिखते उस वक्त क्या लिखते इट इज सिग्निफिकेंट so we reject null hypothesis H0 and we accept alternative hypothesis H1 एच वन अगर दोनों इक्वल आ गया दोनों इक्वल आ गया तो सेम लिख देंगे इट इज नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथिस ठीक है इतना लिख देंगे तो आप लोग full marks मार्क्स आ जाएगा अगर हिन्स भी लिखना होगा अगो देअरफोल्ट भी लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं नॉल हाइपोथिस कर रहे हैं ना तो नॉल हाइपोथेसिस का हम लोग क्या अजुम किए थे यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिखा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में क्या एज्यूम किए थे मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ट्वेंटी एट मंथ तो वही लिख दूंगा देयर फोर मीन ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज ट्वेंटी एट मंथ ठीक है ये लिख देंगे अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एसेट किए होते तो क्या लिखते मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्रेटर देन ट्वेंटी एट मंथ यहाँ पे लिख देते ठीक है इतना कर लेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो कंसेप्ट इजी लगा हो तो ये लाइक कर दे कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे इस वीडियो को और आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा टी टेस्ट का तो आप लोग जाकर देख ले क्योंकि उसमें भी बहुत ही आसानी से सिखाया हूँ उसमें ज़्यादा कंसेप्ट सिखाया हूँ तो वो भी देख ले अगर वो वीडियो सीख लिए ये सीख लिए तो आप लोगों को एग्जाम में दोनों में से एक देखने को मिल जाता होगा एग्जाम में तो लाइक कर दो कमेंट करो सब्सक्राइब कर दो और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा फाइल बना के रखा हूँ वो भी जाकर देख